बोलो बोलो, 45 मिनट हैं और। अंतर्यामी का मतलब क्या? अंतर्यामी का मतलब अंदर की बात को जान ले, बिना बोले, बिना कोई एक्ट के। बाबा मुरली बोलते हैं कि मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ। बाबा माने साकार और निराकार का मेल। निराकार माने सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु, जिसमें प्रवेश करता है वो है साकार, और सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु क्या है? निराकार। तो जो साकार है वो अंतर्यामी नहीं है, जो बोल रहा है। बोलने वाला कौन है? आत्मा है, शरीरधारी के द्वारा बोलता है ना। तो जब बाबा कहते हैं तो साकार निराकार का मेल बोलता है कि मैं अंतर्यामी नहीं हूं, परंतु जो सदैव निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है, सदाशिव है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, इसलिए वो सदा ही अंतर्यामी है। इसलिए बोला ये है बाहरयामी और मैं हूं अंतर्यामी। बोलने वाला कौन है? शिव सुप्रीम सोल। साकार है बाहरयामी, बाहर की एक्ट से जानेगा, पोता में लिख करके देंगे तब जानेगा। पोता मेल किसको दिया जाता है? दिया तो साकार को जाता है, क्योंकि साकार तन मीडिया है, लेकिन वास्तव में हम किसको देते हैं? हमारे पोता मेल का निराकरण करने वाला निराकार है या साकार है? हैं? साकार ने खुद भी पोता मेल दिया होगा या नहीं दिया होगा? वो भी अपना पोता मेल देने वाला है, तो वो कैसे निराकरण करेगा? तो पोता मेल लेने वाला तो सबका शिव बाबा ही है, लेकिन साकार कैसे पता चले? तो साकार को जानने के लिए ये विधि रखी गई है कि अपना पोता मेल लिख करके देना है, ताकि इसको भी पता चले। क्योंकि पहले पहले बाप समान किसको बनना है? साकार को बनना है, मुकर्रर रथ को बनना है। तो मुकर्रर रथ को मालूम पड़े कि कौन किस स्टेज का है, तो अंतर्यामी है ऊपर वाला और बहिर्यामी है नीचे वाला। और बाबा मुसलमान आदि में कराची में ज्ञान की जो भंडार थे उसमें उसको लोहे की डब्बे में गाड़ के रख दिया। मुसलमानों ने गाड़ के रख दिया? मतलब मुसलमान धर्म वाले जो है वो? हाँ जी, हाँ जी, उनका धंधा है 63 जन्मों का। जो 63 जन्म धंधा करते रहे होंगे वो धंधा संगम युग में नहीं करेंगे, शूटिंग पीरियड में है, यहाँ भी वही धंधा करेंगे। ऐसे जमीन में गाड़ के रख दिया। हाँ जी, ये बात के लिए ये किस आधार पर हम जान सकते हैं गाड़ के रख दिया? मतलब मुरली का आधार क्या है? जब वहाँ से पाकिस्तान से चलना हुआ है तो उस समय बाप की जो वाणी है उस वाणी को छुपाने वाले कौन होंगे? सदैव के लिए दफन करने वाले कौन होंगे? और उस वाणी की कदर करने वाले कौन होंगे? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे वो उसकी कदर करेंगे, और जो छुपाने वाले होंगे, दफन करने वाले होंगे, वो तो जरूर मुसलमान ही होंगे। तो उनमें जो ये संस्कार है कि यज्ञ के आदि में जब झगड़ा हुआ किसके किसके बीच में? माँ और बाप के बीच में, तो पीयू की वाणी को
दफना दिया गया और माँ को विशेष मान दिया गया। उस समय एक माता नहीं थी, तीन तीन माताएं थी। यहाँ जो हिस्ट्री में संस्कार चला है उसी आधार से हम समझ सकते हैं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। रिहर्सल माना क्या, शूटिंग माना क्या? शूटिंग में वही तो शूटिंग होगा जो ड्रामा चलना होगा। और इसके अलावा जो पुरानी दीदी दादियां हैं उन्होंने भी तो बोला है। छोटी माँ, बड़ी माँ और ब्रह्मा। टाइटल दारी सबको टाइटल नहीं मिला है, सबको टाइटल नहीं मिला था। वो टाइटल माताएं मौजूद हैं तो टाइटल क्यों मिलेगा? तो ब्रह्मा नहीं ना है, तो ब्रह्मा नहीं ना। सन 47 में जब ब्रह्मा के द्वारा वाणी चल पड़ी तो वो ब्रह्मा साबित हुआ। बच्चा बाद में होगा या पहले होगा? बाद में होगा। तीन माता नहीं होते हैं, तीन माता नहीं होते तो आदि में दो माता है, एक पुरुषोत्तम में था। बताया ना टाइटल धारी, माँ बाप का टाइटल कौन धारण करता है? बच्चा धारण करता है। जैसे है भले तन पुरुष तन है, लेकिन जो ड्रामाबाजी करने वाले होते हैं वो ये देखा जाता है कि ये पुरुष तन है कि स्त्री चोला है। ड्रामाबाजी करने वालों के लिए ये थोड़ी देखा जाता है कि ये स्त्री चोला है कि पुरुष चोला है। वो तो आत्मा पार्ट बजाती है। मुरली भी देखना है कि रिवाइज कोर्स की मुरली है या पुरानी ओरिजिनल मुरली है। रिवाइज वाली है। तो जिनको उस स्टॉक की जरूरत है उनको दे दो। और जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचेगा तो सारे प्रूफ चारों तरफ से इकट्ठे किए जाएंगे ना। वो चाहे बाबा के मुख से बोली हुई टैप हो, अगर वो नहीं मिलती है तो बाबा के समय की लिखी हुई मुरलियां हो जो पहले शॉर्ट हैंड की जाती थी, बाद में उनकी लिथो कापी निकलती थी, वो भी प्रूफ है। अगर वो भी नहीं मिलती है तो जो वर्तमान में रिवाइज कोर्स की माउंट आबू से मुरलियां छापी जा रही है वो भी तो प्रूफ है। तो जो ऐसी ऐसी रिसर्च करने वाले हैं जिनको जरूरत है उस स्टॉक में पहुंचा दो। हैं नहीं तो हाँ टीचर्स पढ़ेंगे। वो तो उनकी बुद्धि में है कि थर्ड क्लास माल हम क्यों पढ़ें। टीचर्स तो सबके सामने सैंपल है ना। है तो जो रिसर्च करेंगे तो रिसर्च का मकसद होगा ना। कोई रिसर्च का मकसद क्या होगा?
है और बाबा राम को एक पत्नी वाला लेकिन सेवक राम को दो पत्नी सेवक राम को दो पत्नियां दो पत्नियां थी आपको कैसे मालूम आपको साक्षात्कार हुआ या सपना आया है सोच के पूछी माना कुछ संशय है हम तो यही बोलेंगे कि प्रूफ हो तो बात कहनी चाहिए प्रूफ नहीं है तो बात क्यों बोलना है कोर्स में क्या बोलते सेवग्राम को दो पत्नियां थी दो माताएं थी ये तो नहीं कहा कि सेवग्राम को दो पत्नियां थी दो माताएं यज्ञ में निमित्त थी और एक ज्ञान सुनने सुनाने के लिए निमित्त थी और एक प्रैक्टिकल जीवन का आचरण करने के लिए निमित्त थी आदि में भी ऐसे ही थी और अंत में भी ऐसे ही होती है किसको ये तो कोई प्रूफ मिले तब कहा जाए ना प्रूफ इतना मिलता है कि बंगाल में पहले एक स्त्री जिनको होती थी वो भी दूसरी स्त्री तीसरी स्त्री रख लेते थे उनको मकान बना के अलग दे देते थे इतना मुरली में प्रूफ मिला है लेकिन खास सेवग्राम के लिए ही ऐसा था ऐसा कोई ना ऐसा तो कुछ लिखा हुआ आया नहीं और बाबा ब्रह्मा ब्रह्मा जी जितना भी चित्र है वो चित्रों में निराकार स्टेज पता नहीं चलता है हाँ जी ये तो माता का पार्ट है माता साकार होती है और बाप निराकार होता है और बाकी जितना धर्म पिता है उनका चित्र से निराकार स्टेज पता चलता है निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है क्योंकि डायरेक्ट परम धाम से आते हैं कैसा समझना है ये आंखों से देखो ऐसा बोलते बाबा कैसा पता चलता है चित्र में निराकार स्टेज है साकार स्टेज क्राइस्ट का चेहरा देखने से महात्मा बुद्ध का चेहरा देखने से गुरु नानक का चेहरा देखने से निराकारी स्टेज दिखाई नहीं पड़ती है चेहरे में दिखाई पड़ती है किस बात में अंदर होता है अरे सबसे मुख्य जो चेहरे के अंदर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला वाइब्रेशन बनाने वाला कौन सा अंग होता है आंखों से ही पता चलेगा ऐसे तो सारे चेहरे से पता चलता है आब आ जाती है रूहानियत की और चंद्रवंशी जो ठेठ होंगे सूर्यवंश में कन्वर्ट नहीं होंगे उनको भी वापस जाना पड़ेगा है जब वापस चले गए परमधाम में तो जो बचे होंगे वो ही जन्म देंगे सूर्यवंशी जो सूर्यवंशी होंगे वो ही चंद्रवंशियों को जन्म देंगे जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों होंगे पति पत्नी के रूप में वो फिर इस्लाम वंशियों को जन्म देंगे हाँ बालक में गोवों को रक्षा करना चाहते हैं दूध देते हैं ना अगर बैंस रक्षा नहीं करते कोई बहेल गाँव में होती है वो अंदर नहीं रहना चाहती है तो उनकी रक्षा कौन करेगा भैंस नहीं बहेल गईयां जो जंगल में ही रहती हैं जैसे दो तुलसी होती हैं एक तुलसी अंदर होती है घर में और एक तुलसी होती है जंगल में रहती है अगर उसको घर में ला के रख दो तो पनपेगी नहीं सूख जाएगी किसी को दान देना है तो गौओं को ही देते
कहा विदेशियों को भारत मंदिर में आने नहीं देते, विदेशियों को भारत में आने नहीं देते देवालय जो पुराने पुराने हैं, उन पुराने पुराने देवालयों में विदेशियों को प्रवेश करना इसलिए वर्जित है कि उन्होंने अपना स्वीकार किया है विदेशी धर्म, विदेशी नागरिकता। तो जब तुम हो ही दूसरे धर्म के, तो यहाँ प्रवेश करने से भी क्या फायदा होगा? वेद में भी ऐसे ही बात है, जो विदेशी होते हैं वो विदेशी को फॉलो करने लग पड़ते हैं, स्वदेशी बाप की बात नहीं मानेंगे तो विदेशी बन जाएंगे। वो स्वदेश में रहेंगे या दूसरे धर्मखंड में रहेंगे? दूसरे धर्मखंड में जाके रहते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के उनके संस्कार ही ऐसे हैं। जो जन्म जन्मांतर के जैसे संस्कार वाला होगा वो वहीं चला जाएगा। मान लो पूर्व जन्म की कोई वैश्य है और उसको उठा करके ज्ञान दे दो, सरेंडर भी कर दो, लेकिन अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार फिर चली जाएगी। और जैनी धर्म जो है वो अलग धर्म नहीं है। जैन का मतलब ही है जिन, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया, आदिदेव, उनके फॉलोअर्स, उनकी औलाद। इसलिए झाड़ के चित्र में अलग से जैन धर्म नहीं दिखाया गया है। जब कृष्ण का जन्म होता है और जोर से बिजली बजाता है, इधर ज्ञान का अर्थ क्या है बाबा? बिजली चमकती है तो सदाकाल के लिए रोशनी होती है या अल्पकाल के लिए? बोल बोल जल्दी बोल, है सदाकाल के लिए। जब बिजली चमकती है बादल में रात में, तो हमेशा के लिए रोशनी हो जाती है या थोड़े समय के लिए रोशनी हो जाती है? थोड़े समय के लिए चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है, बाद में अंधेरा हो जाता है। तो ऐसे ही कृष्ण का जन्म जब हुआ तो थोड़े समय के लिए चारों तरफ चकाचौंध हो गई, अरे ये क्या हो गया? फिर माया का प्रभाव। कुल को राजधानी स्थापन करने के लिए 50 लाख लगता है, माने ये बात कहाँ से कहाँ गई है? पूरी राजधानी स्थापन करने में 50 साल लगते हैं। 50 नहीं 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 50-60 लाख जो बताया है, लाख 50-60 लाख जो बताया है वो राजाओं महाराजाओं को जिनको टाइटल मिलता है, वो क्रिश्चियंस को 50-60 लाख देते थे तो उनको टाइटल मिल जाता था महाराजा का। यहाँ ये बात कनेक्ट नहीं है। जंगल में शबरी है ना, राम को लिए इतना वनवास क्यों किया? जंगल में शबरी है ना, शबरी राम हाँ। के लिए इतना हाँ। वनवास क्यों किया? शबरी ने किया क्या? शबरी ने थोड़े ही वनवास किया राम का। शबरी तो अपने पूर्व जन्म के हिसाब किताब के अनुसार आखिरी जन्म में जाकर के जंगल में रहने वाली भीलनी बनी, शूद्राणी बन गई, लेकिन उसने थोड़े ही वनवास दिया। राम के लिए इंतजार करते हैं।
राम के लिए इंतजार करती रही, क्योंकि राम आएंगे तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। जो भी भीलनिया होती हैं वो यहाँ की बातें हैं ना, कांटों के जंगल में रहती हैं, सब उनको दुख देते हैं। वो इंतजार करती हैं कि भगवान आए तो हमारा भी उद्धार हो जाए। हाँ, भीलनी चाहती थी ना कि झूठे बेर खाए तो हमारे भी बेर खा लें तो हमारा भी उद्धार हो जाए। और बाबा, भक्ति मग में गणेश जी को पेट के सांप बांधा हुआ ना, इसका मतलब क्या है? गणेश जी को पेट के लिए सांप बांधा रहते ना, पेट के लिए बांधा हुआ पेट के ऊपर। हाँ, उनके बुद्ध रूपी पेट में वो सांप अपना काम करता रहता है। हाँ, पेट के बाहर ही बांधा जाएगा, तो बाहर बांधा जाएगा कि अंदर बांधा जाएगा? बाहर बांध, उनकी बुद्ध रूपी पेट जो है सांप से बंधा हुआ रहता है। गणेश जानवर है या मनुष्य है? जानवर है। जानवर की बुद्धि तो कोई डिटैच थोड़े ही होती है। पुरुषार्थ करने पर भी डिटैच नहीं होती। जितने भी जानवर अवतार हैं वो सब दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। बाबा, एडवांस में जो भी आते हैं आदि में, एक ने 36 में शुरू बताया, 36 से लास्ट तक भी वो एक में रहेगा? जो आदि में आएंगे वो अंत में नहीं रहेंगे? अंत में नहीं, आदि में। हाँ, जो आदि में आए होंगे वो अंत में रहेंगे ना, नियम बना दिया है। जो आदि में सो अंत में। बात ये है, ये 36 से 54 तक 18 साल होता है। 36 से 54 तक 18 साल होता है। हाँ हाँ, माना फिर 18 साल की बात से जो आदि वालों का क्या कनेक्शन? ये पर्सनल बात पूछना, सबका माथा क्यों खराब करेंगे? जनरल को भी लागू है, समझ रहा है इसलिए। हाँ, ये शरीर का जन्म तो 54 में हुआ। हाँ, जन्म हुआ। हाँ, शरीर का जन्म हुआ, आत्मा को थोड़ा ही परिचय मिला। नहीं तो 36 से 54 तक 18 साल हो गया। हाँ, बाद में बेसिक ज्ञान में तो 70 में आया। हाँ, फिर 88 तक, मना फिर 18 साल बेसिक में चला। हाँ, फिर अभी फिर 88-89 से। हाँ, अब तक फिर 18 साल हो गया। हाँ, अभी फिर कुलांस मारनी है क्या? हैं? वो बैल होता है ना, बैल, वो कहते हैं कि बैल जो है पृथ्वी को अपने सींग पर साधता है, जब थक जाता है यूं मारता है, दूसरे सींग पे ले लेता है। तो हर 18 साल के बाद कुलाच मारना है क्या? नहीं, आगे के लिए क्या है? बेसिक से एडवांस में, एडवांस से फिर इन एडवांस जाना। एक विष्णु पार्टी निकली है, वो कहते हैं हम इन एडवांस ज्ञान देते हैं। इन एडवांस कोई शब्द ही नहीं होता है बाबा की वाणी में। जो बाबा की भाषा नहीं वो हम बच्चों की भी भाषा नहीं। नहीं बाबा, ये शुरू में 36 से 54 तक 18 साल भी पूरा ज्ञान में रह सकता है या नहीं रह सकता? रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है।
जो 18 साल लगातार ज्ञान में रहेगा तो 18 साल का फाउंडेशन कितना पक्का होगा, बेसिक का। जो जो पुराने पुराने हैं बेसिक नॉलेज लेने वाले बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग लोग, उनको एडवांस वाले जब एडवांस ज्ञान जाकर के देते हैं तो वो अपने नशे से सुनते हैं या प्रभावित हो जाते हैं? वो अपने नशे में रहते हैं। ऐ तुम कल के बच्चे, तुम क्या जानो। जो विधि वाला है, रानी बनने वाला है, उन लोग महलों में रहते हैं, उन लोग सुख भोग में है। जो रानी बनने वाले हैं वो महलों में रहते हैं, सुख भोग में है, उन लोगों को सुख है, उन लोगों को सुख है, सुख है, महल में रहते हैं ना, सुख में रहते हैं। हाँ, फिर राजा लोग कहते इतना सुख नहीं, जो महल में रहते हैं और बंधन में रहते हो तो सुखी है या दुखी है? वही बात है मेरा भी। उनको आप जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दो। मेरा भी जवाब। जो महलों में रहते हैं लेकिन अंदर से उन्हें ये पता है कि हम बंधन में हैं, ये बंधन तोड़ना बहुत मुश्किल है, तो वो सुखी है या दुखी है? हैं? तो बताओ तो पहले। दुखी है ना, तो महलों से सुख नहीं होता है, साधनों से सुख नहीं होता है, सुख जो है वो मन से होता है। मन जो है वो चाहे तो सुखी हो जाए, दुखों में रहते हुए भी सुखी हो सकता है। ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा हो, कोई कितना भी दुखी हो फिर भी, भगत सिंह को जब फांसी लगी तो वो सुखी, सुख में उन्होंने शरीर छोड़ा या दुख में शरीर छोड़ा? है दुख में शरीर छोड़ा है, हंसता रहा चेहरा है। हाँ, तो मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये दैहिक सुख जो है वो सुख नहीं होते हैं। दैहिक सुख देना रावण सिखाता है, और शिव बाबा आत्मिक सुख लेना और देना सिखाता है, रूहानी सुख लेना और रूहानी सुख देना, वो ही असली सुख है। और कहाँ जाना पड़ता है? युद्ध में। हाँ, राजाओं को युद्ध में जाना पड़ता है। नहीं, वो इस बात में सुखी रहते हैं कि विधर्मियों से युद्ध करने के लिए गया उनका युगल, लेकिन वो भी उनके साथी हैं मनसा से, मनसा का वाइब्रेशन पूरा देते हैं, इसलिए उनको सुख रहता है। ये मनसा सेवा की कमाल है, इसलिए सुख नहीं रहते हैं कि पति खून खराबा करने गया है तो हम लड्डू पेड़ा खाते रहे। और हाँ, भगवान आता है अच्छे काम करने के लिए आता है या बुरे काम करने के लिए आता है? भगवान अच्छे काम करने के लिए आता है, और दुनिया क्या समझती है, ये तो बहुत बुरा काम कर रहा है। जैसे कोई गधे को नमक दिया जाए कि इसको भूख लगने लगे, गधा ये समझता है हमारी आंखें फोड़ रहा है, तो ऐसे ही है। भगवान आता है कल्याण करने के लिए, जो अज्ञानी आत्माएं होती है वो भगवान को भी अपने समान समझ लेती है, वो समझते हैं ये सब हमारी स्त्रियों को लेकर के मौज उड़ा रहा है। ऐसे होता है क्या लौकिक दुनिया में भी? ऐसे हो सकता है क्या?
एक आदमी को दो चार पत्नियां होती हैं तो गाल चुपटिया हो जाते हैं। 16,000 को कैसे साथ रखेगा? लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं आता तो गुलानी करते हैं, कलंक लगाते हैं। भगवान उन आराम से उन कलंकों को धारण कर लेता है, कोई अपोजिशन नहीं करता। तो कलंकी धरावतार गाया जाता है। और भिखारी पाटते हैं सबको, नंबर वार है बोलते हैं भिखारी भिखारी हाँ बेगर टू प्रिंस जो है बेगर टू प्रिंस हाँ जैसा बाबा का भिखारी पाठ चला ऐसा नंबर वार सबको भिखारी पाठ है बोलते हैं ना ज्ञान में। ज्ञान में आने से पहले या ज्ञान में आने के बाद? ज्ञान में आने के बाद। ये तो बहुत बढ़िया लक्ष्य लिया है, तो सुधर्मियों का लक्ष्य है क्या? बाबा भिखारी नहीं बोल रहे, बेगर बोल रहे भगवान। भिखारी माने बेगर। हाँ, भगवान आता है तो बेगर के रूप में आता है, माना कोई रईस में नहीं आता है भगवान बन करके, करोड़पति अरबपति में नहीं आता, किस में आता है? जो बेगर के रूप में है उसमें आता है। तन का भी बेगर, मन का भी बेगर, और धन का भी बेगर, और समाज से भी बेगर, और सरकार की ओर से भी बेगर। हर तरीके से जो बेगर है उस बेगर में आकर के भगवान उसको बेगर टू प्रिंस बनाता है। बेगर सबके अधीन होता है, सबका मुंह जोखता है, और जो प्रिंस बन जाता है उसको अपने बाप के सिवाय और किसी का मुंह जो ताकने की दरकार नहीं रहती। तो 5 साल का प्लान लेकर के बाप आता है, सुप्रीम सोल क्या प्लान लेके आता है? ऐसे बेगर को 5 साल के अंदर बेगर टू प्रिंस बना देता है। दुनिया उसके दर पर आकर के ले जाए, उसको किसी से लेने की दरकार नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े मान मर्तबे वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी भले बेगर बने, मुख से भीख मांगे, इशारे से भीख मांगे, लेकिन उसको कोई से भीख मांगने की दरकार नहीं रहती। तो आपका प्रश्न क्या था? ये बेगर का पार्ट भी जो भी अष्टदेव है या सब आठ है सभी को नंबर वार है बोलते हैं ना बाबा, ये किस लिए जीवन में अनुभव के लिए चाहिए कि बेगर का पाठ किस लिए? जो ईश्वरीय सेवा में अपना सारा तन अर्पण कर दे, ईश्वरीय सेवा में सारा धन अर्पण कर दे, ईश्वरीय सेवा में मन अर्पण कर दे, तो उसके पास क्या रह गया? कुछ रह गया क्या? तो बेगर कहा जाता है। जो जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा, गुड़ नहीं डालेगा मीठा नहीं होगा। तो जितना हम अर्पण में होते हैं उतना हमारी आत्मा ज्ञान दर्पण बन जाती है, बड़ी, बड़े ते बड़ा बाप, बड़े ते बड़े दर्पण में आकर के प्रत्यक्ष होता है। तो नंबर बार दर्पण बनते हैं, जितना अर्पण करते हैं उतने दर्पण बनते हैं। और सूत्राणी प्राणी कहा जाता है विकार भोगने वाली को। बाबा
शिव काशी। अरे कोई भी काशी जाएंगे तो गंगा लेकर आता है सभी अपना अपना। काशी जो भी जाएंगे वहाँ से थोड़ा सा काशी गंगा लेकर आते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, गंगा जल। लेकिन वो काशी में नहीं पकड़ते, त्रिवेणी संगम में पकड़ते हैं। त्रिवेणी संगम में ही पकड़ते हैं, भले कहते हैं काशी गंगा, काशी में तो पकड़ते हैं। मतलब क्योंकि जो त्रिवेणी है जहाँ, वो इलाहाबाद है, अल्लाहाबाद, अल्लाह का घर है, अल्लाह का नगर, अल्लाह का पुर। और अल्लाह के पुर में वो पार्ट होने के बाद फिर बाद में तीन नदियों का मेल होता है, उसको अल्लाहाबाद कहते हैं। वाराणसी में मेल नहीं होता है, अल्लाहाबाद में मेल होता है। पहले अल्लाहाबाद या पहले वाराणसी है। जब गंगा आती है पहले नहीं तो पता ही नहीं है। जब गंगा आती है ऋषिकेश से हरिद्वार में, या गंगोत्री से ऋषिकेश, ऋषिकेश से हरिद्वार में, तो हरिद्वार में मैदान में आकर के पहले पहले गंगा फर्रुखाबाद से उतरती हुई, कानपुर उतरती हुई, फिर इलाहाबाद पहुंचती है। इलाहाबाद में होता है त्रिवेणी संगम, तीन नदियों का संगम। तीन नदियों का संगम होने के बाद वो जो जल होता है, उस जल को वाराणसी में पहुंचने के बाद जब वरुणा नदी से मिलता है, तब वो तीखा रूप धारण कर लेता है। वरुणा असी, असी माने तलवार, ज्ञान तलवार का रूप धारण करती है गंगा। गंगा यमुना से मिलने के बाद तीखी नहीं होती, गंगा सरस्वती से मिलने के बाद तीखी नहीं होती। कब तीखी होती है, हैं? जब गंगा तीनों नदियों से मिलने के बाद आगे बढ़ती है और वरुणा नदी से मिलती है, तब वरुणा आसी होती है, यानी ज्ञान की तीखी तलवार बन जाती है। वरुणा नदी ही तो काशी कही जाती है, जहाँ से वरुणा नदी मिलती है वहाँ से काशी शुरू होती है। उससे पहले काशी नगरी नाम नहीं है। और अरुण माने सूर्य, और फिर दूसरा भाई कहा जाता है वरुण, अरुणा वरुणा। वेदों में ऋचाएं दी हुई हैं अरुणा वरुण के नाम से। कोई ने पूछा है ताज और तख्त में फर्क क्या है, ताज होता है सर के ऊपर बांधा जाता है और तख्त के ऊपर बैठा जाता है। तो तख्त है हमारा अकाल तख्त, आत्मिक स्टेज का तख्त, और ताज है जिम्मेवारी का, ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी धारण की है, तो हमने जैसे ताज धारण कर लिया। जो जितना यहाँ ईश्वरी सेवा की जिम्मेवारी उठाता है, उतना बड़ा ताजधारी देवता या राजा बनता है। ब्रह्मा को हजार भुजाए, पांच पांच सहयोगी और हो गए, दस हजार भी हो सकते हैं। एक हाथ थोड़े ही है, ब्रह्मा को एक ही हाथ होता है क्या? लेफ्ट हैंड भी होता है और राइट हैंड भी होता है। तो लेफ्ट हैंड जो है वो 500,
और राइट हैंड भी 500, तो 1000 हो गए ना, और 1000 में 5 का गुणा कर दिया तो 5000 हो गए। माने ब्रह्मा के हजारों सहयोगी और शंकर के सहयोगी नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? हैं? डराता है? किसको डराता है? शंकर को सिर्फ रुद्रगण दिखाते हैं, लेकिन सदाकाल के सहयोगी नहीं है। बाबा के साथ टूर में जाने वाले का शूटिंग क्या होता है बाबा? जो टूर में जाते हैं वो बाबा के सहयोगी हैं। अरे वापस है भी? हैं? बोला तो वापस है भी? वापस? वापस से कैसे? हैं? वापस? 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 जो सत्युग त्रेता में होता है वो द्वापर कलयुग में होता है। जो सत्युग में ऊंचा पद पाता है वो द्वापर में भी ऊंचा पद पाता है। जो त्रेता में ऊंचा पद पाता है वो कलयुग में भी ऊंचा पद पाता है। इक्कीस जन्म के आधार पर 63 जन्म का हिसाब बनता है। माना कैसा नजदीक संबंध बनते हैं? जो यहाँ जितना नजदीक रहेगा उतना वहां भी नजदीक रहेगा। कहां? वहां प्रैक्टिकल होता है, यहां शूटिंग होती है सिर्फ। यहां रिहर्सल होता है, वहां बड़ा ड्रामा होता है। यहां का ही वहां जाता है। जो आत्मा संगम युग में ज्ञान में आने के बाद जितने जितने लोगों के संसर्ग संपर्क में आवेगी, सत्युग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक, वहां भी उतनी ही आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आती रहेगी। जिस आत्मा का यहाँ कड़ुआ अनुभव होगा जिसके साथ, तो वहां भी कड़ुआ अनुभव होगा। यहाँ जिसके साथ मीठे संबंध रहेंगे उसका वहां भी मीठे संबंध रहेंगे। ऐसे ही विष्णु का भी 33 साल दिखाए जो आदि का 10 साल में ऐसे ही बटाए गए क्या उनका जो पाठ? उस समय प्रत्यक्षता ही नहीं थी। शुरुआत तो ब्रह्मा से ही होती है। कोई जानता ही नहीं कि ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है। 10 साल के बाद फिर पता चलता है कि ये ब्रह्मा है। माने सहनशीलता का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? जैसे बच्चा पैदा होता है तो गर्भ में थोड़ा ही पता चलता है, गर्भ से बाहर आता है तो पता चलता है। दस साल तक ये पता ही नहीं चला कि दुनिया की सबसे ज्यादा सहनशील आत्मा कौन है। और बाबा शंकर का प्यारी लगी काशी है? ये बात शास्त्रों में आई है, मुरली में नहीं आई है। क्या? शंकर की प्यारी नगरी काशी है, शास्त्रों में ये बात है, मुरली में बाबा ने नहीं बोला है। अगर एडवांस वाणी को मुरली माना जाए तो बोला है। हम मान रहे हैं बाबा। हाँ, क्योंकि रुद्रमाला है ना,
रुद्रमाला को रुद्रमाला के स्वभाव संस्कार वाले प्रिय होंगे या विजयमाला के अधीन बनने वाले स्वभाव संस्कार प्रिय होंगे? तो काशी नगरी अधीन बनने वाली नहीं है, रुद्रमाला का मणका है। बाप आता है तो स्वतंत्रता दिलाता है, सच्ची स्वतंत्रता। गांधी जी ने जो स्वतंत्रता दिलाई वो झूठी स्वतंत्रता हो गई। तो सच्ची स्वतंत्रता है किसी के अधीन न रहना, अपना कमाना अपना खाना और जो बचे उसमें से दूसरों को दान देना। ये नहीं कि दूसरों से लें फिर हम दूसरों को दान दें, जैसे साधु संन्यासी करते हैं। उससे स्वर्ग नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी लिया वो पाप की कमाई ली या पुण्य की कमाई ली? पाप की कमाई ली। बाबा शंकर को प्यारी नगरी काशी, तो वो प्यारी नगरी दूसरा नंबर बन गई। जो शंकर को प्यारी नगर काशी है वो दूसरा नंबर बनी रुद्रमाला का मणका। हाँ। तीसरा प्यारी नगर कौन सी बाबा? जो तीसरा नंबर होगा अष्टदेव, वो प्यारी नगरी का नाम। जो तीसरा अष्टदेव नगरी होगा कि नगरा होगा क्या पता? आपको पता है ना? अरे ये तो जानी जाने हार वाली बात हो गई, अंतर्यामी बात बात हो गई। जब पार्ट बजाए कोई प्रूफ मिले तभी तो साबित होगा। हैं? मन के अंदर से हाथ डाल के बाहर निकाल लो। है चलो, हो गया टाइम।